बता दो दिमाग कहाँ से आये देख। रास्ते में हो गया गाड़ी खराब। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ऑफिशियल काकू भाटिया में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए व्लॉग लेके। तो आज हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं और आज है मम्मी का बर्थडे, तो इसलिए इस खुशी में आज जा रहे हैं जो दीदी ने प्लान बनाया सुबह उठते सारी। तो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा और दिल को सुकून मिलेगा, और इससे बेहतर जगह कोई और हो नहीं सकती। तो दिखाते हैं आपको और मिलते हैं, आपको भी सारों को दर्शन करवाएंगे। जय श्री श्याम भाई। फिर अप्पा अभी CNG भरवा रहे हैं यहाँ से, CNG खत्म हो रही थी तो CNG डलवा के फिर निकल रहे हैं। ये बालों से उलझते हुए, बालों से उलझते हुए ये हिमांशु तो गाइस रास्ते में हो गया गाड़ी खराब और दो बज चुके हैं, और अभी हम चुलकाना धाम नहीं पहुंचे। तो मैंने जो टाइम दिया था 12-1 बजे का, गाड़ी ख़राब हो गई है रास्ते में तो उसकी वजह से नहीं पहुंच पाए। अब गाड़ी ठीक होएगी तभी जा पाएंगे, वरना तो मुश्किल है। तो जिसको मैंने टाइम दिया था तो सभी को सॉरी, दिल से माफ़ी मांगता हूं। नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, बट गाड़ी ख़राब हो गई इस चीज़ का दुख हो रहा है यार। रास्ते में फैमिली भी बैठी हुई है, गर्मी में लड़कों का तो चल जाता है बट फैमिली का नहीं चलता यार। तो बाकी बाबा देखेगा सब। उसको प्यास लग रही थी, तेरे प्यासी थी और गला ही घोट लिया अपना। लो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी ठीक हो चुकी है, अब हम प्रस्थान करते हैं आगे आगे। फाइनली हमारी गाड़ी ठीक हो चुकी है और पैसे लग चुके हैं। हालतें हो गई हैं बुरी, गाड़ी कर दी है साइड में खड़ी। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, 3:30 बज गए हैं। तो परिवार पीछे आ रहा है और हम हैं अभी मेन जो एंटर गेट है, एक नंबर गेट पे लाइक ठीक है। तो इतना सफ़र के बाद फाइनली पहुंच ही गए, अब अंदर चलते हैं, भीड़ नहीं है, दर्शन करवाते हैं सभी को। और सॉरी बट जो टाइम दिया था वो टाइम पे मैं नहीं आ सका। गाइस ये है फर्स्ट नंबर गेट है, सेकंड थर्ड यहाँ से जाओगे, सेकंड नंबर वहाँ पे आएगा, थर्ड उसके बाद आएगा, थर्ड आता है पीछे बैकग्राउंड से ठीक है। फर्स्ट नंबर यहाँ से एंट्री होती है। तो अभी अंदर चलते हैं सारे यहाँ पे, चलो चल मम्मी। एक नंबर गेट पे हमारे सामने जहाँ दिया शीश का दान, उस भूमि का नाम है चुलकाना धाम, तो वो यही भूमि है। और सभी को यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है क्योंकि हम मंगलवार के दिन आए हैं, तो भीड़ नहीं है, वरना संडे के दिन तो ये यहाँ पे पैर रखने तक नहीं जगह नहीं होती। गाइस ये वो पेड़ है जहाँ पे हमारे सामने एक तीर से करे थे लाखों पत्तों में छेद, ठीक है। ये है वो पेड़ देख लो, और इस पेड़ के दर्शन कर लो। अभी आपको मैं छेद भी दिखाऊँगा सारे ठीक है, जहाँ जहाँ छेद करे हुए हैं। और ये लाइनें सारी भरी रहती है यहाँ पे, और ये शाम कुंड है यहाँ पे नाते, संडे को सारा भरा रहता है ये बट। और उसके बाद अब ये पेड़ के देखो, ये भी वही पेड़ है जहाँ पे एक तीर से करे थे लाखों पत्तों में छेद, ठीक है। और अभी अंदर के भी सारे दर्शन करवाते हैं आपको। तो गाइस इसके अंदर अभी हमारे को देखने होते हैं, देखो इसके अंदर वो देखो ये रहा है लाइक मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो दिख गया आपको छेद हुआ पड़ा है, ये नवे पत्तों में छेद है, जो भी इसमें नवा पत्ता आएगा ना देखो धीरे धीरे, इधर आ ए वो देख दिख रहा देख, तो मतलब जो नवे पत्ते आ रहे ना उसमें हल्का हल्का छेद सब में दिख रहा है, बारीक बारीक सा सब में छेद हुए आएंगे। ध्यान से देखोगे ना गाइस तो इस पेड़ में आपको छेद दिखेंगे पत्तों में। अभी खड़े हैं प्रसाद लेके हम यहाँ पे, भीड़ नहीं है देखो गाइस, तभी कहते हैं कोई ऐसे टाइम पे आओ जहाँ पे भीड़ ना हो, दर्शन भी आपको आराम से हो सके।
तो ये हमारे भाई सेवादार, कैसे हो? अरे 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 प्रभु प्रभु। तो भाई ये सेवादार है यहाँ पे, इस भाई को जब भी आओ इस भाई को मिल लेना, ये दर्शन बहुत अच्छे से करवा देते हैं अगर भीड़ में हो तो। बिना भीड़ के तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। मेरी एंट्री यहाँ से, अभी हम एंट्री करेंगे वहाँ से, और हमारे बाबा जी का मंदिर भी ओपन है। और यहाँ पे अभी हम हाथ धो के आए थे क्योंकि हाथ हमारे गंदे पड़े थे। जय श्री श्याम, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया है। तो अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, चले चले चलो। सभी को जय श्री श्याम। तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आता चंदाना धाम के हमारे पुजारी जी हैं सेवादार जी। तो हमारे सामने जो दिया था शीश का धाम, उस भूमि का नाम है प्यारी सी चुलकाना धाम। तो यही वो भूमि है जहाँ पे हमारे सामने शीश का धाम दिया था, और ये वहाँ के सेवादार। तो आप जब भी आओगे ये यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हमारे पुजारी जी, क्या नाम है सर? संजू पुजारी, कुलदीप पुजारी। कुलदीप पुजारी जी और संजू पुजारी चुलकाना धाम से सेवादार। तो आना कभी भी और दर्शन करके जाना, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ शीश का दान दिया था हमारे खाटू वाले ने। तो आपको अभी और भी दर्शन करवाते हैं और मिलते हैं सभी सभी को जय श्री श्याम। ये दीदी और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, मम्मी दीदी भाभी जी, इनका बर्थडे है। फैंस मिलते हुए हमारे सामने जहाँ दिया शीश का दान, उस प्यारी सी भूमि का नाम है चुलकाना धाम। जय श्री श्याम। ठीक है बोलना, जय श्री हमारे सामने जहाँ दिया शीश का दान, उस भूमि का नाम है चुलकाना धाम। जय श्री श्याम। भैया 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 एक मिनट, वीडियो बने नहीं थी वो। हमारे सामने जहाँ दिया शीश का दान, उस भूमि का नाम है चुलकाना धाम। जय श्री श्याम। हमारे सामने जहाँ दिया शीश का दान, उस भूमि का नाम है चुलकाना धाम। जय श्री श्याम। ठीक है, हमारे सामने जहाँ दिया शीश का दान, उस प्यारी सी भूमि का नाम है चुलकाना धाम। जय श्री श्याम। चलो मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी कर दो ना, मुझे आवाज नहीं आ रही इसकी। अगर मैंने बोल दिया तो भी बैठ जाएगी। दुनिया का नहीं, केवल तुम्हारा चाहिए। ओ, कोई दिक्कत नहीं, बापू आ जाएगा, पीछे से आ जाएगा। हमारे सामने जहाँ दिया शीश का दान, प्यारी सी भूमि का नाम है चुलकाना धाम। नोट कर लो ये लाइन, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मंडी पसीना पसीना हो रहा, पता रास्ते में गाड़ी खराब होगी, इसलिए काले होगी। करते रहो अपने काम। मम्मी कोल्ड ड्रिंक देगी और क्या, बिल्कुल धक्के लग रहे थे, खजाना था वो बापू का। चलो मैंने पी लिया, तभी तो पिलाया तेरे को। तो गाइस दर्शन तो हो चुके हैं और ये लोग रील बना रहे हैं, जो बाबा जी इनको बनाने नहीं दे रहे हैं, है ना? बनाओ रील तुम, हमारी बनी नहीं रील, बना के दिखाओ। तो ये हमारे भाई है भाई, ठीक है, कभी भी आएंगे तो इस भाई से जरूर मिलना, हमारे पक्के वाले भाई है ये, ठीक है। जब भी यहाँ चुलकाना धाम आओगे ये मिलेंगे 101% मिलेंगे। सेवादार है यहाँ पे, और यही वेले हैं जो रील बना रहे हैं। जल्दी बना लो, वहाँ मंदिर में जाना है दूसरे, वहाँ तो वेले थे।
और ये हमारे बाबा जी का एंट्री गेट। तो सामने ही हमारे बाबा जी के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं, वो रे देखो। और किसकी रहेगी? आ जाओ आ जाओ, फ्री मानी छोटी भाई। और किसकी रहेगी? सबकी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। मैं तो भाटियों की कुड़ी हूँ। इसको अपनी फ्रेंडों को दिखाना बोल हारे के सहारे की, बोल शीश के दानी की, नीले घोड़े वाले की, लाज बचाने वाले की, हारे के सहारे की, कलयुग के देव की, जय तीन बाण धारी की, जय बोल शीश के दानी की, जय बोल खाटू नरेश की, जय बोल श्याम प्यारे की, जय हमारे पड़ोसियों की, जय मार रहा है। मजे कर रहा हूँ मजे। वो कह रहा नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना। फिर घेर दिया उसने केला। अरे पहला के डाल आ रहे हैं भाई, नीचे हम भी खड़े हैं, मेरे हाथ में बर्फी है। बहुत जहर खा रहा तू वहाँ पे तोड़ कर। चल मैं जूते पहनूं चले फिर। हाँ दो का। अरे उधर तो है जूते कहाँ हैं? तू डाल ले। लेकिन इसकी मोटर चल गई है, इसकी वजह से बंद किया गया है ताकि कोई मतलब अंदर ना जाए। टूटी चलाई पानी ऐसे आया फिर आगे गया वो। गाइस अभी चुलकाना धाम से तो हमने दर्शन कर ली है, बट आपको मैं एक बात बता दूं, चुलकाना धाम से जो असली जो दर्शन अगर आपने पूरी यात्रा जो होती है एक मंदिर हो रहा है उस 100 मीटर की दूरी पे, लकेश्वर बाबा का मंदिर है ये, और मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ। सबसे पुराना मंदिर है ये, शीश का दान देने से पहले का मंदिर है ये, ठीक है? तो इस मंदिर में भी जरूर आया करें। मैं एंट्री गेट दिखाता हूँ आपको, वो एंट्री गेट है यहाँ से, ठीक है? और अभी आपको मैं सारा अंदर का दिखाता हूँ। यहाँ पे आना भी जरूरी होता है तब वो यात्रा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आओगे जब आप, सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है? नहाने का भी है यहाँ पे, जैसे शाम कुंड होता है ना वैसे नहाने का भी है यहाँ पे, सब कुछ है। मंदिर की बहुत मानता है, बहुत मानता है। तो मेरा तो कहने का फर्ज यही है कि जब भी चुलकाना धाम आओ, जब भी चुलकाना धाम आओगे ना तो 100 मीटर की दूरी पे मंदिर है, जरूर आओ। और यहाँ पे नहाने की जगह देखो, बच्चे नहा रहे हैं पूरे, ठीक है? एंजॉय कर रहे हैं और दर्शन करो, उम्मीद है आपको भी दर्शन अच्छे से होंगे। और जब भी चुलकाना धाम आओ तो इस मंदिर में जरूर आना, आना मत बोलना, ठीक है? जितने भी मेरे व्यूज़र हैं मैं सबको बता रहा हूँ। तो लो गाइस ये वो मंदिर है, और अब यहाँ पे आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे हमारे सबसे, ठीक है? और यहाँ के भी दर्शन आपको करवाता हूँ मैं अंदर के। जय हो हमारे बाबा जी के दर्शन करो, और यहाँ पे आना जरूर होता है। जब भी चुलकाना धाम आओ तो यहाँ पे जरूर आओ, 100 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है। यहाँ पे सेवादार जी
तो लो गाइस यहाँ के तो मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब आपको नवा मंदिर दिखाते हैं जो अभी बना है। और वहाँ पे हर हमारे भगवान जी की, हमारे राम जी की सबकी मूर्तियाँ हैं, तो प्लीज़ आपको वो भी मंदिर दिखाते हैं। है वो मंदिर, यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी, यहाँ पे मंदिर, और ये पूरा मंदिर आपको दिखाते हैं। आपके सभी के दर्शन हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। तो ये मंदिर में कभी भी आना मत भूले, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चुलकाना धाम जब भी आओ ये मंदिर में जरूर आओ, मंदिर बहुत प्यारा मंदिर बना है। अगर आप यहाँ पे नहीं आते ना, तो देखो आप बाबा शाम पे मत्था टेक जाते हो चुलकाना धाम में, कभी भी आते हो ठीक है शीश के दानी पे, तो फिर वो अधूरी रहती है, आपकी जो यात्रा होती है मनोकामना होती है वो अधूरी रहती है। बट यहाँ पे आना बहुत जरूरी होता है ठीक है। अब मैंने हर कोई बंदा देखा है उसको नहीं पता, तो मैं वीडियो के माध्यम इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। 100 मीटर की दूरी पे ही है, किसी से पूछ लो कि मंदिर कहाँ है वो आपको साफ बता देंगे ठीक है। 100 मीटर की दूरी पे ही है, और आज इसमें इस मंदिर के दर्शन आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे उम्मीद है, और आप जल्दी आके यहाँ पे दर्शन करोगे। जय श्री श्याम। गाइस ये देखो इसने मतलब यार कैसे बोतल अपने देखो अंडरवेयर में, वो गया। ओ भाई ये टैलेंट आप ही, अच्छा ये दिमाग कहाँ से आया देख बता दो, दिमाग कहाँ से आया देख। ये गया, हाँ अभी दूसरा आएगा ये, वो हाँ चल भाई। ये दर्शन कर रहे हैं और मैंने भी मत्था टेक लिया है। ये वही पेड़ है जहाँ पे हमारे सामने कीर से करे थे लाखों पत्तों में छेद। अब हम आपको दिखाते हैं अंदर का, खाटू वाले ने जब शीश का दान दिया था ना, तो उनका जो धड़ था ना, वो मैं धड़ दिखाता हूँ आपको, जो नीचे का जो धड़ था वो आपको मैं दिखाता हूँ, तो बैक कैमरा करके आपको सारा दिखाता हूँ मैं।